पटना में पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही को सुधारने में जुटे डीएम, एसपी को कार्रवाई का दिया निर्देश। पीएमसीएच ने जिंदा मरीज के परिजनों को मृत बता सौंपी थी दूसरे की लाश। मुंगेर की गंगा नदी में एक नाव ओवरलोडिंग होने की वजह से पलट गई। घटना के वक्त नाव में 80 से ज्यादा लोग सवार थे। तट के किनारे घटना होने से ज्यादातर लोग तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन दो बच्चे लापता हैं। मुजफ्फरपुर जिले में बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए 3 बदमाशों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। संपर्क में आए सभी पुलिस कर्मियों की कोरोना जांच कराई जा रही है। बेगूसराय में अपराधियों ने घर में सो रहे एक विकलांग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो गांव की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जमुई के दादपुर के पास निर्माण कार्य में लगे एक मिक्सर मशीन के पलट जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक पूर्वी चंपारण के रहने वाले 65 वर्षीय शाहबजान मियां थे। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी कारा में कैदी की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज के अभाव में कैदी की मौत हुई है। मृतक अब्दुल समीप परसौनी गाँव का रहने वाला था, जो एक लड़की के अपहरण के मामले में जेल में बंद था। सहरसा में शादी समारोह के दौरान हथियार लहराकर डांस करते कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक बेखौफ होकर तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना पुलिस ने एक लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से लूट की रकम भी बरामद हुई है। पटना के बस स्टैंड में अपराधियों ने एक युवक को चाकू से गोदकर मार डाला। मृत युवक एक बस का कंडक्टर है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गढ़वा के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर 7 लवारिस बैग मिला। पुलिस ने मौके पर बम निरोधक दस्ते के जरिए जांच की तो सभी बैग में नशीला पदार्थ मिला। पुलिस के मुताबिक नशे के इस बड़े खेप को दूसरे राज्यों में पहुंचाने की योजना थी। जमशेदपुर के पोटका में जेएमएम के पंचायत कमेटियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पोटका विधायक संजीव सरदार ने की। बैठक में कोरोना से बचाव और लोगों को जागरूक करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। रोहतास जिले के बाराडी गांव में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में दिनारा नोखा और काराकाट के विधायक भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के सुजालपुर में निजी विद्यालयों के संचालकों की बैठक हुई। इस दौरान संचालकों ने राज्य सरकार के स्कूल बंदी के निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि सरकार कोरोना का भय दिखाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुजफ्फरपुर के बुआरीडी गाँव में गाय के बछड़ी को बचाने के क्रम में एक दंपति गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। घर में लगी आग के दौरान यह हादसा हुआ। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में स्थित नदी में 32 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और युवक की पहचान में जुट गई है।